वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, एक बहुत ही सिंपल एंड कॉमन आइडेंटिटी है आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपका माइनस में होता है तो आप यहाँ पे माइनस होगा, अगर तो यहाँ पे आप माइनस लगा देते, बस इतना सा है। तो इसी तरह से हमें इस टर्म को कैसे भी करके इन्हें इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट टर्म। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 है, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले इसको आप स्क्वायर बना दो। तो इसको हम दो तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं, या तो 2 से डिवाइड करके बना सकते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा। सो इसे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन ऑल टर्म्स, राइट। तो ऑल टर्म्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टर्म इज माइनस 14x होल स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट टर्म। सो 14 × 14 × x² अपॉन 4 × 4x² इज कैंसिल आउट, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 7 7। सो दिस इज 49/4। जो भी क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 14x, इस इक्वेशन में आप इसे वन टाइम ऐड करो, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करो, और ऐड वाला हमेशा फर्स्ट और सेकंड टर्म के साथ में लेना है आपको। 49/4 माइनस 49/4, ओके, एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ये पूरा तीनों टर्म्स आपका बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो 2x इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, और मिडल में जो साइन आएगा वो मिडल का साइन होगा माइनस। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 24 हो जाएगा। 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25/4 हो गया। अब इसे आप सेकेंड साइड में सेंड कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x माइनस 7/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 7/2 प्लस माइनस 5/2। सो इस तरह से आपको मिल जाएगा x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2 एंड 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखो 7/2 को इधर ले गए तो ये 12/2 हो गया, इस 2 को भी इधर भेजोगे तो × 2 हो गया। सेम है यहाँ पर भी, इधर भेजोगे तो ये हो गया आपका 2/2, और इसे सेंड किया हमने तो ये, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 4 3 जा तो x इज इक्वल टू 3, और ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आपको टू रूट्स फाइंड हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 2x square and plus x minus 4। तो इसको भी हम पहले 2 से मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन ऑल टर्म्स।
सो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा 4x² प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू 0। हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट मिडल टर्म का स्क्वायर, दैट इज 2x - 2x अपॉन 4 - 4x² तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपके 4x² से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1/4। 4x² प्लस 2x, और इसे अब आप यहाँ पे ऐड कर दो, 1/4 -1/4, ओके। और ये हो गया आपका -8 इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म्स, तीनों टर्म्स आपका बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर, तो इसे मल्टीपल करोगे तो 32, 32 एंड -1 इज 30, 3/4 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1/4, सॉरी ये आपका हो जाएगा 1/2, ओके। ये होगा आपका 1/2, और ये भी आपका रहेगा 1/2। यहाँ पे हमने 1/4 का स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर इज इक्वल टू 33/4। तो देखो यहाँ से अब आपको मिल गया 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/2। सो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू √33/2 एंड 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -√33/2। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, x देखो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, सो √33 माइनस 1, 2 तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से आपका ये बन गया x इज इक्वल टू 33 माइनस 1 अपॉन 4, और ये बन जाएगा सेम, यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, 33 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, तो यहाँ से पहले से आपको ये 4x² दिया गया, कुछ भी मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो लास्ट टर्म भी आपका सेम ही दिया गया, लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप इसे चेक कर सकते हो कि लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा। तो 4√3x * 4√3x अपॉन 4 * 4x². देखो 4 से 4 दोनों कैंसिल कर दो आप, x दोनों कैंसिल करोगे तो x² कैंसिल हो गया, √3 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 3 पहले से गिवन है। सो 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट 2x, 3 का स्क्वायर रूट √3 और मिडल टर्म का साइन इज इक्वल टू 0। इसे आप 2 टाइम लिखोगे, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर रूट करो और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो यहाँ पे आप इसे 2 टाइम लिखोगे, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -√3 एंड डायरेक्ट ही अगर मैं करूँ तो 2x इज इक्वल टू -√3 इज ऑल्सो, सो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 इज ऑल्सो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है x 2x² तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो पहले, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन ऑल टर्म्स। सो 4x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो अभी हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट टर्म, 2x इंटू 2x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4x², 2x is 2x, 4x² कैंसिल, 1/4। सो सेम एज 4x² प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
सो ये तीनों टर्म्स आपका बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो 2x प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, इसका आप सिंप्लीफिकेशन करो तो ये बन गया आपका 32 माइनस 1 इज 30, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 1 बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31 बाई 2 एंड सॉरी ये 31 को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये माइनस में बन गया आपका और ये आपका 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो माइनस 1 मैं आपको दूँ स्क्वायर करने को, क्या लिखोगे 1, 1 का स्क्वायर दूँ करने को क्या लिखोगे 1। माइनस 5 दूँ मैं आपको स्क्वायर करने के लिए 25 लिखोगे, 5 दूंगा स्क्वायर करने के लिए तो भी आप 25 ही लिखने वाले। तो कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिल सकते हमें। सो इसे हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, रूट्स तो मिलते हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। ओके?